छोटा था तभी से ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बारे में मुझे जानकारी थी। ये बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मन धन तन से अपना सब कुछ देते हैं ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को। तो अभिषेक जी, आज का जो कार्यक्रम था इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपका वे क्या था, किस तरह से आप लोगों को एक मंच पर लाकर किस तरह के कार्य करना चाहते हैं सिंह के लिए, राजपूतों के लिए? एक बेसिक मुद्दा था जो मैं फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से, जैसे जब मैंने स्टार्टअप किया, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट की बहुत कमी थी। मुझे कुछ करना रहता तो मुझे ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था, 50 वेंडर से बात करना पड़ता था, उसके बाद में कोई एक सिलेक्ट करता था, एक या दो लोग। धीरे धीरे मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ने चालू हो गए तो मैंने ये चीज़ फील किया कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो जो दिन जो टाइम आप एक महीने में आप कर सकते हो वो आप 3 दिन में भी कर सकते हो, काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। आप एक यूथ है, यूथ के क्षेत्र में आप किस तरह सोच रहे हैं और इस बैनर्स के इस मंच के माध्यम से आप किस तरह से आप यूथ के लिए कार्य करेंगे? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुझे महाराष्ट्र लेवल प्रेसिडेंट बनाया गया है सिर्फ यही चीज़ के लिए कि मैंने जैसे प्रॉब्लम फेसेस किए हैं, मैंने जैसे प्रॉब्लम फेस किया है वो चीज़ निकाल सके हम लोग, कि वो चीज़ प्रॉब्लम फिर से किसी यूथ लड़के को, स्टार्टअप वाले लड़के लोगों को प्रॉब्लम ना आए, मैं वही चीज़ पे वर्क करना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, और इसी डे को आपने क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए? ये मैं कार्यक्रम आज 1.5 महीने से प्लान कर रहा था कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, बट बहुत सारे लोग आज के दिन फ्री थे तो मुझे लगा ये सही समय है कार्यक्रम। और आपके साथ जिस तरह से बैठे आप कितना कुछ सीख पाते हैं, किस तरह से वो आपको सिखा पाते हैं कि आपको किस तरह से, क्योंकि आप एक यूथ हैं और एक काफ़ी समय से जिस तरह से लोगों के सेवा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं? सेवा तो नहीं बोलूँगा मैं जैसे हरिवंश जी को जानता हूँ, सेवा तो करते ही हैं, मगर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे एक आइकॉन है जो मेरे आइकॉनिक में देखता हूँ कि कॉलेज खोले जाएँ और उसमें बहुत से कॉलेज खुले भी। इसका एक दोष ये भी था कि हम यूनिवर्सिटी खोल के बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जो अंग्रेज़ों के प्रभाव से प्रभावित ना हो और आज़ादी की बात बच्चों को पढ़ाया जाए और समझ पाएं। तो हम ग्रांट नहीं लेते थे, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रांट नहीं लेते थे। उस समय बहुत सी यूनिवर्सिटी खुली और पूरा राजाओं ने महाराजाओं ने योगदान किया। और बाकी बात थी कि दहेज प्रथा का अंत करना, नशा वगैरह नहीं करना, कुछ लोग उसी में मस्त रहते थे, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लड़कियों की शिक्षा, दहेज प्रथा का अंत, ये सारी बातें उसमें थी। और राजपूत जो होता था अपने पूरे गांव की रक्षा करता था, उसका तो काम ही रक्षा करने का था, सब लोग जिम्मेदारी से उनको उत्तरदायित्व देते थे और संभालते थे। लड़ने 160 एकड़ जमीन जोनपुर खरीदा विश्वविद्यालय के लिए, मैं कृषि स्नातक हूँ, BCAG किया हूँ, तो मैं कृषि का विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूँ और उस विश्वविद्यालय से हर गांव में हमारे लोग जाएंगे, मिट्टी का परीक्षण करेंगे, कौन सी मिट्टी में क्या कौन सी फसल अच्छी होगी, ये किसानों को मालूम नहीं पड़ता है। सरकार चलाती है योजना लेकिन हो नहीं पाता है, कुछ तो सरकारी अफसरों की लापरवाही। अब पूरा वैज्ञानिक तरीके से कैसे, मतलब हमारी क्रॉप डबल हो सकती है, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। आज ऑर्गेनिक का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो जो चीज़ आप खा रहे हैं आपको मालूम नहीं कि इसमें कितना कितना केमिकल भरा हुआ है। आजकल इतने लोग पैसे के लालची हो गए हैं, एक लौकी जो 250 ग्राम की रहती है शाम को, एक इंजेक्शन लगा दिया सुबह 1 किलो हो जाती है, तो इंजेक्शन केमिकल तो खा रहे हैं आप, तो आपको कैंसर होगा, आपको किडनी खराब होगी, आपका हेल्थ खराब होगा। तो ऑर्गेनिक खेती कैसे हो? अब मैं जो 10-15 साल भगवान हमको और देंगे, मैं 69 का हो गया हूँ, तो वो मैं चाहूँगा कम से कम एक जिला तो मैं ठीक कर दूँ। तो आपका भी जैसे युवा भी जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी जिस तरह से प्रोग्राम आपके इस मन से जुड़े हुए, जब मैं गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर युवाओं को मार्गदर्शन करना है तो हमें आप इन्वाइट करिए, हम अपने खर्चे से आके जो सक्सेस लोग हैं हम कुछ गुरु मंत्र दे के जाएंगे।
हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हम अपने होटल में रहेंगे, अपना खर्चा करेंगे। इतना लोग तैयार है, उनको खाली प्लेटफार्म देना है। अगर क्षत्रिय महासभा प्लेटफार्म उनको देती है, वहाँ के यहाँ मार्गदर्शन करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ खाली क्षत्रियों को करें, सभी का मार्गदर्शन करें। जब अमेरिका में जाकर सक्सेस हो गए, तो यहाँ तो उनके मार्गदर्शन से लोग सक्सेस हो सकते हैं।